Now in this video we'll start off first with LCR series circuit. Now inductor, capacitor and resistor R, C, L. Let's say they are connected to an AC source. Okay. And ये जो AC source है, I can write it in terms of I not sin omega t. या फिर मैं E के टर्म्स में लिख सकता हूँ, E नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, बट हाँ, I और E के फेजेस सेम नहीं होंगे. फेज सेम कब होता है? जब बस R होता है तब. अब यहाँ पे L भी है, C भी है, तो फेजेस वुड बी डिफरेंट. हाँ, हमें ये पता है कि जो इंडक्टर होता है ये AC करंट को अपोज करता है. अपोजिशन एक्सटर्न इज गिवन बाय ओमेगा इंटू L. दिस इज गिवन बाय 1 बाय ओमेगा इंटू C. एंड दिस इज बेसिकली योर रेजिस्टेंस आर. ओके, नाउ इसके अक्रॉस जो भी ई एम एफ जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा, लेट मी राइट इट एज ई एल. इसके अक्रॉस जो भी ई एम एफ प्रोड्यूस होगा, लेट मी राइट इट एज ई सी. एंड इसके अक्रॉस जो भी ई एम एफ होगा या जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट मी राइट इट एज ई आर. सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंसेज अक्रॉस दिस, दिस एंड दिस. ओके, इफ आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ऐसा होगा. इफ माई करंट आई इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, ई आर इट इज इन फेज विद करंट, सो ई आर विल बी इन दिस डायरेक्शन. वेन वी टॉक ऑफ ई एल, हमें पता है कि ई एल लीड्स करंट बाय 90 डिग्रीज, तो हमारा ई एल ये डायरेक्शन में होगा एंड ई सी विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो अब आपको ना इनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करना है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, ई आर, एंड लेट मी राइट दिस एज ई एल माइनस ई सी. ओके, एंड हमारा करंट जो है वो ये डायरेक्शन में. नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट, ई आर एंड ई एल माइनस ई सी, ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये डायरेक्शन में होगा. And thus E is given by square root of E R square plus E L minus E C the whole square. Now because तीनों series में इनमें से इनसे same current flow हो रहा है, तो I can write this as I square R square plus, यहां से आप I square common निकाल दो, this will be X L minus X C the whole square. ओके, क्योंकि ई एल कैन बी रिटर्न एज आई इंटू एक्स एल. ई इज इक्वल टू आई इंटू आर, मैं ओम्स लॉ ही लगा रहा हूं. ई सी कैन बी रिटर्न एज आई इंटू एक्स सी. ई आर कैन बी रिटर्न एज आई इंटू आर. सो नाउ यू विल गेट ई, आप आई स्क्वायर दोनों टर्म्स में, तो आप आई को बाहर कॉमन निकाल सकते हो. दिस विल बिकम आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर. एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, एक्स सी की वैल्यू होती है 1 बाय ओमेगा सी. अब ई बाय आई आप डिवाइड करोगे, तो ओम्स लॉ ये कहता है ई बाय आर इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सो यहाँ पे ई बाय आई जो आएगा, इसको हम लोग नया नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस. इम्पीडेंस क्या होता है? इट इज टोटल अपोजिशन टू एसी करंट, टोटल अपोजिशन टू एसी करंट, एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर. ओके, आई हैव टू रिमेंबर दिस. आपका ये इम्पीडेंस ज्यादा होगा मतलब अपोजिशन ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा है तो अपने आप से आपका जो करंट है वो कम हो जाएगा. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर. अच्छा, अब फाइनल ईएमएफ आपका ये डायरेक्शन में, आपका करंट तो ऐसा है, तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो ये इस तरह से लिखा जाएगा. दिस वुड बी द फेज डिफरेंस. ना ये आपका फेज डिफरेंस कितना होगा? ना दिस फेज डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड
इन टर्म्स ऑफ कॉस फाई, साइन फाई, टैन फाई, मैं सबके टर्म्स में ही एक्सप्रेस करता हूँ. सो लेट्स से दिस इज ई आर, दिस इज ई एल माइनस ई सी, दिस इज ई ई एल माइनस ई सी, दिस इज फाई. सो दिस इज बेसिकली माई ई आर. सो आई कैन राइट कॉस फाई एज ई आर बाय ई. ई आर कैन बी रिटर्न एज, इफ यू सी ओवर हीयर, ई आर कैन बी रिटर्न एज आई इन टू आर, एंड इफ यू सी ओवर हीयर ई कैन बी रिटर्न एज आई इन टू जेड. सो दिस बिकम्स इक्वल टू आर बाय जेड. आप इसको साइन फाई के टर्म्स में भी देख सकते हो. इट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. ई एल माइनस ई सी बाय ई. ई एल कैन बी रिटर्न एज आई इन टू एक्स एल माइनस आई इन टू एक्स सी डिवाइडेड बाय आई इन टू जेड. सो दिस बिकम्स एक्स एल माइनस एक्स सी बाय जेड. आप इसको टैन फाई के टर्म्स में भी देख सकते हो. दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो आपको इवेंचुअली आएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर. ओके, सो यू कैन राइट इन एनी ऑफ दीज टर्म्स. सी, ये जो कॉस फाई है इसको हम लोग पावर फाइंड आउट करने में भी काम कर यूज करते हैं. सो हम लोगों ने ये कहा था ना, पावर कंज्यूम्ड इन दीज सर्किट्स इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई. ना ये जो टर्म होता है कॉस फाई जो हमें यहां से मिल रहा है आर बाय जेड, दिस इज योर पावर फैक्टर. ओके, सो आप इस फेजर डायग्राम को, ये जो डायग्राम है इसको मैं अब ऐसे भी बना सकता हूं. ई आर के जगह पे आई जस्ट पुट आर रेजिस्टेंस, दिस इज योर इम्पीडेंस एंड दिस रिप्रेजेंट्स एक्स एल माइनस एक्स सी. दिस एंगल इज फाई. ओके, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी पे आता है, कॉस फाई, साइन फाई, टैन फाई. इफ यू कैन रिमेंबर दिस डायग्राम ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. सो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी. एक था इम्पीडेंस जो मेजर करता है टोटल अपोजिशन टू ए सी करेंट, सो दैट इज इक्वल टू दिस. ये हम लोगों ने किसके लिए डिराइव किया था, सीरीज एल सी आर सर्किट. एक्स एल इज ओमेगा इन टू एल, एक्स सी इज वन बाय ओमेगा सी, ई आर इज बेसिकली यहां पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज जस्ट आर. ओके, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दिस इज आई इन टू एक्स एल, दिस इज आई इन टू एक्स सी, दिस इज आई इन टू आर. प्लीज गो थ्रू दिस सेक्शन वेरी वेरी प्रॉपरली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, ओके. सो वेन वी टॉक ऑफ रेजोनेंस इन सीरीज एल सी आर सर्किट, बेसिकली हमें ये पता है, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि जो ये रेजिस्टेंसेस है एक्स एल एंड एक्स सी, ये ओमेगा या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. सो नाउ द थिंग इज, वेन वी टॉक ऑफ रेजोनेंस वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज मैक्सिमम. ओके, करंट इज मैक्सिमम. नाउ ये करंट मैक्सिमम मैक्सिमाइज कैसे होगा, मैं करंट को ई बाय जेड देख सकता हूं. तो आई को मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे जेड को मिनिमाइज करना पड़ेगा ना, ये डिनोमिनेटर है तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा. अब हमें पता है जेड का एक्सप्रेशन ये होता है, सो जेड इज मिनिमम. सी, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, बट एक्स एल एंड एक्स सी विल चेंज, राइट? तो आप फ्रीक्वेंसी इस तरह से एडजस्ट करते हो सच दैट एक्स एल माइनस एक्स सी इज जीरो. सो जेड इज मिनिमम व्हेन एक्स एल माइनस एक्स सी इज जीरो. सी, ये स्क्वेयर टर्म है ना, एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर. अब किसी भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो ही हो सकती है. तो वी हैव टू, फॉर जेड टू बिकम मिनिमम दिस एक्सप्रेशन एक्स एल माइनस एक्स सी शुड बी इक्वल टू जीरो. इन दैट केस जेड मिनिमम इज सिंपली इक्वल टू आर. ना ये जब होता है एक्स एल माइनस एक्स सी, ये जिस भी फ्रीक्वेंसी पे होता है इसको कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल माइनस एक्स सी जीरो,
एंड जेड बिकम्स इम्पिडेंस बिकम्स मिनिमम एंड ये इम्पिडेंस की वैल्यू होती है आर. सो नाउ आई कैन राइट सिंपली आई इज इक्वल टू ई बाय आर क्योंकि जेड इज नाउ इक्वल टू आर. नाउ ये कौन से फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस होता है? तो ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है एक्सएल माइनस एक्ससी शुड बी जीरो. एक्सएल कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू एल. दिस इज वन बाय ओमेगा इंटू सी इज जीरो. सो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ओमेगा एज वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. अगर जो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इट इज सिंपली इक्वल टू वन अपॉन टू पाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. दिस फ्रीक्वेंसी बिकम्स आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ओके सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी योर करंट इज मैक्सिमम एंड इम्पीडेंस इज मिनिमम. सो अगर जो इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ तो ये ग्राफ ऐसा होगा. दिस इज ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट. तो आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी वेरी करते जाओगे आपका करंट चेंज होता जाएगा. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगी जिसको हम लोग कहेंगे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. एंड इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आर करंट वुड बिकम मैक्सिमम. ओके सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन रेजोनेंट सीरीज एलसीआर सर्किट. ओके सो आप पैरेलल एलसी सर्किट देखते हैं. सो लेट्स से दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स. सो दिस इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. बिकॉज ये दोनों पैरेलल में इनके अक्रॉस ईएमएफ आपका सेम होगा बट करंट जो होगा वो करंट अब इस केस में कैपेसिटर के केस में पता है हमें करंट लीड्स ईएमएफ एंड इंडक्टर के केस में करंट लैग्स ईएमएफ. सो इस केस में आपका जो टोटल करंट होगा आई दैट कैन बी रिटन एज लेट से यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज लेट मी कॉल दैट एज आई सी. यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है लेट मी कॉल इट एज आई एल. सो आपका जो नेट करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू आई सी माइनस आई एल. ओके ये क्योंकि ऐसा है ना यहाँ पे लेट्स से अगर जो ई एम एफ इस डायरेक्शन में तो आई सी लीड्स ई एम एफ एंड आई एल लैग्स ई एम एफ. नाउ आई सी कैन बी रिटन एज ई डिवाइडेड बाय एक्स सी एंड दिस कैन बी रिटन एज ई डिवाइडेड बाय एक्स एल. सो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू ई वन बाय एक्स सी कैन बी रिटन एज ओमेगा सी माइनस वन बाय ओमेगा एल. नाउ इफ ओमेगा सी माइनस वन बाय ओमेगा एल इज जीरो देन अगर जो आपका ये टर्म जीरो हो जाता है तो आपका करंट भी जीरो हो जाएगा. ओके सो ये कब होगा? दिस विल हैपन व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी. नाउ सो एट दिस फ्रीक्वेंसी योर करंट बिकम्स मिनिमम. ये अपोजिट टू दिस राइट. यहां पे जब हम लोगों ने सीरीज एल सी आर सर्किट दिया था तो आर करंट वॉज मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. यहां पे एट दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी योर करंट इज मिनिमम. तो आपका ये जो ग्राफ है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का वो ग्राफ ऐसा होगा. यहां पे जहां पे करंट जीरो होता है दैट बिकम्स योर दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ओके सो ये डिफरेंस है इन पैरेलल एलसी सर्किट्स एंड इन सीरीज सर्किट्स. आई विल स्टार्ट ऑफ इट ट्रांसफॉर्मर थियोरी. सो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर के अंदर बेसिकली लेट्स से वी हैव अ सॉफ्ट आयन कोर. सो देर आर टू कॉइल्स. ये आपका प्राइमरी कॉइल है. दिस इज कनेक्टेड टू अ सोर्स एंड दिस इज आर सेकेंडरी कॉइल. दिस इज बेसिकली आर आउटपुट.
सो ये सेकेंडरी है, दिस इज प्राइमरी। ना इसके अक्रॉस जो भी ईएमएफ होता है इसको ईपी कहा जाता है, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज ईएस। प्राइमरी कॉइल के अंदर जो भी आपका करंट फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड एज आईपी, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो भी आपका करंट फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड एज आईएस। लेट्स सी यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है दीज आर एनपी एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है दीज आर एनएस। ओके, अब सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू ईपी अपॉन ईएस। सो नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ईएमएफ्स। ओके, नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज अबाउट पावर ट्रांसफर। सी पावर, आप इनपुट साइड पे पावर देते हो प्राइमरी कॉइल के अंदर जो फ्लक्स के थ्रू, मतलब ये सॉफ्ट आयन कोर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू ये यहाँ पे पावर ट्रांसफर होती है। तो ये पावर ट्रांसफर कैन बी, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, योर पावर ट्रांसफर कैन बी 100%, सो दिस इज 100% एफिशिएंसी। सो जब 100% एफिशिएंसी होती है तो पावर इन प्राइमरी साइड एंड पावर इन सेकेंडरी साइड इक्वल होगा, सो ईपी इंटू आईपी इज इक्वल टू ईएस इंटू आईएस। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा वेदर एफिशिएंट है या नहीं है, बट इफ इट इज 100% एफिशिएंट आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। बट इफ पावर ट्रांसफर is less than 100%, so let's say efficiency is n percent, so इस केस में power in secondary circuit would be equal to this by 100 into power in primary circuit. So now you will write this as es into is by 100 इंटू ई पी इंटू आई पी। सो उस केस में आपको जो भी एफिशिएंसी फैक्टर है आपको एफिशिएंसी फैक्टर कंसिडर करना होगा। ओके, अब दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नाउ अप एंड डाउन दिस इज रिलेटेड टू ई एम एफ ई। ओके, सो अप मतलब EMF इंक्रीज होता है, डाउन मतलब EMF डिक्रीज होता है। सो किसका EMF? इट इज बेसिकली सेकेंडरी का। सो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, ES इज ग्रेटर देन EP। सेकेंडरी के अंदर EMF इज मोर देन प्राइमरी। इफ ES इज ग्रेटर देन EP आई कैन से NS इज ग्रेटर देन NP। ओके, एंड स्टेप डाउन में क्या होता होगा, ES इज लेस देन EP, so NS is less than NP। okay, now अगर जो 100% efficient transformer है, if you see this relationship, अगर जो ES कम होगा तो इस equation को balance करने के लिए IS should be more, so if ES is less IS has to be more, so in this case I can write IS is more than, नहीं, IS is less than IP and if ES is less IS is greater than IP. You have to remember this. Okay. Finally, transformer जो होता है it is based on mutual induction. आप एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करते हो तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, सो दिस इज बेसिकली योर म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, नाउ ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स कहां पे लगते हैं, सो जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव पावर जनरेटर, पावर हाउस है जहां पे पावर जनरेट होती है एंड इवेंचुअली ये हमारे घर तक आती है। तो पावर जनरेटर के बाद आप एक ये ट्रांसफॉर्मर लगाते हो,
ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, करंट को कम कर देता है, राइट। इट इंक्रीजेस ईएमएफ, इट रिड्यूसेस करंट। तो ये जो वायर से करंट पास हो रहा है, दैट आई एस विल रिड्यूस। अब ये कम करंट अगर जो हमारे घर पे आएगा तो हम अप्लायंसेस यूज नहीं कर पाएंगे। तो हर लोकैलिटी में एक ट्रांसफॉर्मर होता है, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है, ईएमएफ को कम कर देता है, करंट को इंक्रीज कर देता है। सो ये स्टेप डाउन से जब करंट निकलता है तो योर करंट इज मोर, एंड ये दिस मोर करंट रीचेस आवर हाउसेस। यहां पे करंट क्यों कम करना है, करंट इसलिए कम करना है क्योंकि यहां पे कम हीट प्रोड्यूस होगी। हमें पता है ना, हीट प्रोड्यूस्ड ओवर हियर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो जितना कम करंट इन वायर से पास होगा उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी, उतना कम पावर लॉस होगा। फाइनली लास्ट टू कंसेप्ट, वन इज सेल्फ इंडक्शन। नाउ व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, लेट से यू हैव अ सोलेनोइड, एक कॉइल है ऐसा, द लेंथ इज एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल एन, ओके। नाउ यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहां से करंट आई पास हो रहा है विच विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई। तो इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है, दैट कैन बी रिटन एज बी इंटू एरिया ऑफ ईच टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। सो दिस इज म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई, एरिया कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर इंटू एन। सो हमारा जो ये फ्लक्स होगा, दिस विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर बाय एल इंटू आई। नाउ यू कैन सी दैट फ्लक्स इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट इंटू आई। लेट मी राइट दिस अ स्मॉल एल। सो ये कांस्टेंट को दिखा जाता है एल इंटू आई, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ आप अगर जो करंट को वेरी करोगे तो आपका फ्लक्स चेंज होगा, एंड फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो ये ईएमएफ, दिस इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। सो आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो यू विल गेट इट एज एल डी आई बाई डी टी, दिस इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या करता है, ये करंट चेंज को अपोज करता है। तो अगर जो आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तो देन बैक ईएमएफ इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, विल डिक्रीज करंट द करंट। एंड अगर जो आपका करंट डिक्रीज हो रहा है तो बैक ईएमएफ विल ट्राई टू इंक्रीज द करंट, ठीक है। सो दिस बैक ईएमएफ इज इक्वल टू दिस, एंड ये रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर बाय एन। कई बार आपको पूछा जाएगा व्हाट विल हैपन इफ यू इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट विल हैपन इफ यू रिड्यूस द लेंथ, इफ यू इंक्रीज द लेंथ, इफ यू रिड्यूस द साइज। सो रेडियस इज बेसिकली दिस आर, सो व्हाट विल हैपन इफ यू रिड्यूस द रेडियस, ये सारी चीजें। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बैक ईएमएफ क्या करता है, या बेसिकली ये इंडक्टर क्या करता है, ये बस करंट को चेंज होने से रोकता है। आपका करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो ये उल्टा ईएमएफ जनरेट करेगा, आपका करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो ये सेम डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट करके करंट को वापस इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। सो इट विल ट्राई टू कीप द करंट कॉन्स्टेंट, ठीक है, ओके। समटाइम्स दैट आइदर यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट बैक ईएमएफ, या फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा चेंज इन करंट अपॉन टाइम। सो स्टेप चेंज अगर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, देखो स्टेप चेंज अगर जो होता है, मान लो इफ दे टेल यू कि करंट इज चेंज्ड फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू इन टाइम टी, तो बैक ईएमएफ आप सीधा ऐसे कैलकुलेट करोगे। बट अगर जो आपको करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उस केस में आपको ये डेरिवेटिव देना होगा, ओके। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस।
हाँ, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर में भी देखा था। मान लो इफ देर आर टू कॉइल्स लेट्स से दिस इज योर प्राइमरी कॉइल, दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल। ओके, मान लो प्राइमरी कॉइल में जो करंट पास हो रहा है आप इस करंट को चेंज करते हो, तो यहां पे तो बैक ईएमएफ जनरेट होगा ही होगा। यहां पे जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा दिस विल बी ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, बट बिकॉज आप यहां पे करंट चेंज कर रहे हो, ये जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है यहां पे भी ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो व्हेन यू चेंज द करंट इन वन कॉइल ईएमएफ इज जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल। एंड यहां पे ईएमएफ कितना जनरेट होगा, इट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स चेंज इन द प्राइमरी कॉइल। सो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी। अब फाई को आप कैसे लिखोगे, यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस के केस में एल इंटू आई आप लिखते थे, यहां पे आप लिखोगे एम इंटू आई, एम इंटू करंट इन प्राइमरी। सी रिमेंबर दिस, करंट शुड बी इज चेंज्ड इन द प्राइमरी कॉइल, तो एम बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई पी। ओके, अच्छा इस फॉर्मूले में एंड यहां पे भी, यहां पे जो ये एम है इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। यहां पे एल बस एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था, राइट, बट सेकेंडरी ईएमएफ में दोनों ये इंपॉर्टेंट होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एनपी इंटू एनएस, ये इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अच्छा वन मोर थिंग, जैसे यहां पे हम लोगों ने माना है कि यू हैव कोई कोर नहीं है, एयर है बीच में, बट इफ यू पुट आयन कोर इन बिटवीन तो आयन कोर की अपनी एक परमिएबिलिटी होती है जिसको हम लोग कहेंगे लेट से म्यू आर, ओके, एंड विच इज मच मच ग्रेटर देन दैट फॉर एयर, मच मच ग्रेटर देन वन। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ना, हर एक फॉर्मूला बस म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, मतलब यहां पे ऑलरेडी एज आपका म्यू आर से ये इनकॉर्पोरेट कर ही रहा है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज इन दिस केस म्यू नॉट के साथ साथ आप म्यू आर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, आपका इंडक्टेंस बढ़ेगा तो ई एम एफ इंड्यूस्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। इसलिए ये सारे जो कोर्स होता है ये यहां पे हम लोग सॉफ्ट आयन यूज करते हैं, या ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है उसमें हम लोग सॉफ्ट आयन यूज करते हैं। ओके, सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, ये जो सिंबल है इट रिप्रेजेंट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये इंडक्टेंस वाला सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहां पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिवीजन जो है वो खत्म होता है। ओके, थैंक यू।